पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय की नजदीकी अचोली शिलिंग रोड में बीती रात्रि एक ऑल्टो कार 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। रात में दुर्घटना का पता नहीं लगा। सुबह कार खाई में गिरी देख लोगों ने इसकी सूचना अचोली चौकी में दी। कांस्टेबल पंकज पंगरिया मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर कोई व्यक्ति नहीं मिला। पुलिस वाहन स्वामी का पता लगाने में जुटी है। जिला मुख्यालय से लगा मैथाना का जंगल रात को धधकता रहा। सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी आरएस द्योपा, वन दरोगा ज्योति उपाध्याय, वन रक्षक मनोज ज्याला, प्रकाश जोशी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। सिविल वन पंचायत की 2 हेक्टेयर जमीन में आग धधकी थी। तड़के 2 बजे आग पर काबू पाया गया। जलागम परियोजना में अनियमितता का आरोप लगाते हुए बिंड ब्लॉक की प्रमुख लक्ष्मी गोस्वामी के नेतृत्व में लोगों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्तावित और क्षेत्र पंचायत से अनुमोदित योजनाओं को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने जलागम परियोजना के कार्य की निगरानी के लिए ब्लॉक स्तर पर निगरानी समिति का गठन किए जाने की मांग उठाई। भारत सरकार द्वारा ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लॉन्च हुई है, उसमें जो है कि हमारे विकास खंड बिड़ के 31 गांव चयनित है। ऐसा है कि भाई देखिए, जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं भारत सरकार की तरफ से, वो काश्तकारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हुई, और उसमें जो ग्रामीण हमारी ग्राम पंचायतों में जो बैठकें होती हैं, जो प्रस्तावित चयनित होते हैं और कार्य योजना बनती हैं, उस कार्य योजना से जो है कि कार्यान्वयन जब प्रस्तावित होती है उसकी DBR बनती है। अब क्या हो रहा है कि भाई देखिए, कार्य योजनाएं 1 साल पहले बन चुकी हैं और जो है कि 1 साल बाद ही जो कार्य योजनाएं बनी हैं प्रस्तावित हैं वो DPR से इन्होंने अपनी मर्जी से काट करके उनको अलग कर दिया। उसमें जैसे हमारे सिंचाई पाइपलाइन है भाई, LDP टैंक का आपने रख दिए हैं, LDP टैंक में पानी स्टोरेज होगा, अगर पाइपलाइन आपने हटा दी तो वो बिना पाइपलाइन के वो कहां से वो खेतों में सिंचाई होगी। यहां प्रधान मंजू देवी, हरीश चंद्र पांडे, विक्की टमटा, राजकमल आदि मौजूद रहे। जौलजीबी में सीवर लाइन निर्माण की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता शकुंतला दत्ताल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें कहा गया है कि काली व गोरी नदी का संगम होने के बाद भी नदी में कोई धार्मिक कार्य नहीं करा पाते हैं। उन्होंने नदी में सफाई अभियान चलाकर धार्मिक नगरी के रूप में स्थापित कराने की मांग की है। कहा है कि यह धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर का प्रवेश द्वार है। कहा है कि सीवर के पानी से नदी प्रदूषित हो रही है। उन्होंने क्षेत्र में सीवर लाइन बनाने की मांग की। 55वीं वाहिनी SSB की ओर से भारत नेपाल सीमा पर स्थित बगड़ीहाट में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम, अपने पुलिस बलों को जानने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिलोनी के 40 से अधिक बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों को अमर शहीदों की गाथाएं भी सुनाई गयी। यहाँ उप कमांडेंट मनोज कुमार राम, राजेंद्र सिंह, प्रधान हनुमान सिंह, लक्ष्मण सिंह आदि मौजूद रहे। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।